सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में नववर्ष के मौके पर नर्तकियों के साथ जश्न मनाते नशे की हालात में 8 युवक और 2 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर मोहल्ले में नववर्ष के मौके पर पटना से बुलाकर नर्तकियों के साथ नशे की हालात में जश्न मनाते 8 युवक और 2 युवती को मोहल्लेवासी की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस ने महंगी शराब की बोतल को भी बरामद किया है। बिहारशरीफ सदर DSP डॉक्टर शिवली नुमानी ने बताया कि शनिवार की देर रात्रि मोहल्लेवासियों ने पुलिस को सूचना दिया कि एक मकान में युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लेकर थाने आई, जहां जांच के बाद 8 युवकों और 2 युवतियों में शराब पीने की पुष्टि हुई। सभी युवक पटना और छपरा से नर्तकियों को बुलाकर दोस्तों के साथ शराब के नशे में नववर्ष का जश्न मना रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने नर्तकी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और इस पर बहसोर मचाने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को थाने लाई। सभी युवक पढ़ाई के नाम पर किराए का कमरा लेकर यहां रह रहा था। गिरफ्तार युवकों में पटना जिले के सूरज कुमार, अस्थामा थाना क्षेत्र के सोनू कुमार, तेलमर थाना क्षेत्र के राहुल कुमार और बिट्टू कुमार, सारे थाना क्षेत्र के प्रहलाद कुमार, नूरसराय थाना क्षेत्र के आदर्श सिन्हा, रहुई थाना क्षेत्र के रवि कुमार, विहार थाना क्षेत्र के अमरजीत कुमार, जबकि 2 युवती पटना और छपरा की रहने वाली है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नव वर्ष के मौके पर नर्तकियों के साथ जश्न मनाते नशे की हालात में 8 युवक और 2 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।